ये नमः ओम लोपा मुद्रा ये नमः ओम शेखावेर ये नमः ओम अनंत गुण गंभीरा ये नमः ओम अर्कपुष्कर सेविता ये नमः ओम अमृत स्वार्थ लीला ये नमः ओम अगस्त्य मुनिनायक ये नमः ओम आशा के कावेरी के किनारे किनारे सुनिए अखिल भारतीय रूपक कार्यक्रम। अनुसंधान आलेख और प्रस्तुतिकरण H.V. रामचंद्र राव। ध्वनि संयोजन एवं प्रस्तुति सहाय A.R. गोपाल नायक। सुनिए रूपक कावेरी के किनारे किनारे। ओम चंद्र पुष्कर मध्यस्था ये नमः ओम चतुरानन पुत्रिका ये नमः ओम चोड़देश जनोद्धार ग्रीष्मकाल प्रवाहिनी ये नमः ओम चुनचुक्षेत्र समानी। दक्षिण देश में कावेरी प्रसिद्ध नामी है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ के नीचे उत्पत्ति होती है। कावेरी तुला मास में ऊपर उगती है, बुलबुलें ऊपर आती है। उस समय लाखों यात्रीगण यहाँ आकर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ पीकर चले जाते हैं। हाँ, मैंने भी स्नान किया, तीर्थ पान किया, पर अब मैं यहाँ से जाऊंगा तो इस नदी के किनारे किनारे सागर संगम तक जाऊंगा। नमस्कार श्रीमान जी। नमस्कार। आपको इस क्षेत्र का परिचय करा दूं? हाँ, मैं यहाँ का अधिकृत गाइड हूँ। हाँ, मेरे साथ कावेरी नदी के किनारे किनारे चलेंगे। हाँ, आपका पारिश्रमिक मैं दे दूंगा। क्यों नहीं, मुझमें तमिलनाडु के क्षेत्रों में यात्रा करने की इच्छा भी है। अच्छा, एक पन दो काश हो जाएगा। आपने सुना क्या? अष्टोत्तर पूजन में एक अंश चोड़ देश को जल द्वारा उद्धार कर ग्रीष्म काल में भी प्रवाहित होने वाली नदी है। मंत्रकार ने कावेरी की जीवनदायिनी शक्ति को कुछ ही शब्दों में भर दिया है। अच्छा, चलिए आपको कावेरी की कहानी सुनाएंगे। हाँ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आप इन्हें कावेरी की कहानी सुनाएंगी? क्यों नहीं, ब्रह्मा जी के वरदान से उत्पन्न कावेरी राजा कवेर की पालित पुत्री थी। उन्हें ऋषि प्रवर अगस्त्य को विवाह में देते समय राजा ने अनुशासन रखा, आप मेरी पुत्री को छोड़कर कभी दूर न हो। आप इस अनुशासन को तोड़ेंगे तो कावेरी आपको छोड़ देगी। तो अगस्त ने अनुशासन तोड़ा होगा? हाँ, विवशता में। एक बार वे वेद शास्त्रों के शास्त्रार्थ में इतने मग्न हो गए कि कावेरी का विस्मरण सा हो गया। जब वे घर आए वह नहीं थी, उसने तलकावेरी के इस कुंड में देहांत कर लिया था। अगस्त जी बड़े व्यथित हुए होंगे। हाँ, वे व्यथित होकर जहां तहां भटकते रहे। फिर इस जलकुंड पर आकर उन्हें पता लगा कि कावेरी यहाँ पर जलमग्न है। अच्छा। उन्होंने कावेरी से बड़ा अनुनय किया। जिसका देहांत हो जाए वो फिर लौटते कैसे? यह ऋषि का प्रभाव था और कावेरी की शक्ति थी। उसका अर्धभाग लोपा मुद्रा के रूप में अगस्त्य जी को मिला, शेष अर्धभाग प्रतिवर्ष तुला संक्रमण के अवसर पर यानी अक्टूबर 17 तारीख को नदी के रूप में यहाँ से निकलकर कर्नाटक और तमिलनाडु को जीवन धारा प्रदान करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यात्री जी आगे बढ़े। कहाँ? यहाँ से ब्रह्मगिरी तक कावेरी गुह्य वाहिनी है। हाँ। यानी छिपकर बहती है। अच्छा अच्छा। वहां से बह निकलती है। ब्रह्मगिरी में भ्रुगुंड महर्षि स्थापित ब्रह्म विष्णु और शिव के मंदिर हैं। अच्छा। फिर हम वहां से कृष्णराज सागर और वृंदावन चलेंगे। अच्छा चलें। यह है कृष्णराज सागर। यहाँ आपको दो व्यक्तियों से मिलाएंगे। मिलिए इनसे। इनका शुभ नाम है श्री कृष्ण। ये यहाँ के मुख्य अभियंता हैं। नमस्कार। इनदिगे लक्ष्मण तीर्थ मत्त हेमावती नदीगळु सेरुवा संगम लक्ष्मण तीर्थ और हेमावती के संगम स्थान पर सर एम विश्वेश्वरय्य जी की योजना के अनुसार 1931 में बांध बनाया गया। यह मैसूर शहर से 20 किलोमीटर दूर पर है। इस बांध का जलानयन प्रदेश 10,619 किलोमीटर है। यहाँ से सबसे अधिक जल निकास का गात्र 2,90,000 क्यूसेक है। इस बांध का जल ग्रहण सामर्थ्य 48.335 TMC होगा। सिंचाई के लिए बाई ओर विश्वेश्वरैया नहर है और दाई ओर देवराज अरस नहर है।
कृषि का क्षेत्र आजकल 1,96,000 एकड़ तक विस्तृत हो गया है। इस नहर के जल से श्रीरंगपट्टन, पांडवपुर, मंड्या, नागमंगल, हेगड़े देवनकोटे, मैसूर और तिरुमकुडलु नरसीपुर तालुक के किसान धान, ऊख आदि की कृषि करते हैं। कितना सुंदर स्थान है, यहाँ का उद्यान भी बहुत सुंदर है। आप यहाँ के फौरों को और बिजली के वर्णमय कांति को देखकर चौंधिया जाएंगे। अच्छा, हर इतवार को और छुट्टी के दिनों में संगीत की लहरों के साथ फवारों का जल नृत्य करता है। चलिए, फवारों का संगीत नृत्य शुरू हो गया। इनसे मिलिए, ये हैं श्री रामू, बागवानी विभाग के एक अधिकारी हैं। इस उद्यान में इन्होंने 12 साल सेवा की है। नमस्कार श्री रामू जी, आप वृंदावन के फूल पौधों के बारे में कुछ बताएंगे? आ गार्डन के तकनते फाउंटेन से कुटरो। इस उद्यान के योग्य फव्वारे बनाए गए, बिजली की व्यवस्था की गई, बत्तियां लगाई गई, प्रकाश व्यवस्था हुई, इन तीनों का संयोजन यहाँ स्वर्ग सा दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके बगल में फलों का एक बगीचा भी है। लगता है कि यहाँ आने वालों को ऐसे फल खाने को प्रोत्साहित करना ही इसका उद्देश्य था। कावेरी के तीर पर फलों के इस बगीचे को बनाने का उद्देश्य मुझे लगता है कि इसके पके फल पानी में गिरे, उसके बीच बहकर तीर प्रदेश के खेतों में पहुंचे और वहाँ फलों के और नारियल के पौधे उगे। कृष्ण राज सागर और वृंदावन देखकर मुग्ध हो गया। अब तो हम मैसूर वापस आ गए हैं। मैं आपकी बहन श्री डी देवराज से करा दूंगा, वे यहाँ के पुरातत्व विभाग के निदेशक हैं, यहाँ के मंदिरों के बारे में बताएंगे। अच्छा, रंगनाथ जी की जो मूर्ति इधर है वह कर्नाटक के प्रसिद्ध राजवंश होयसल के जमाने की है। तलकाड़ में भी कई मंदिर है, उनमें श्री वैद्यनाथेश्वर और श्री कीर्ति नारायण प्रमुख है। वे 12वीं शताब्दी के है। कावेरी नदी तट पर सोमनाथपुर में भी एक प्रसिद्ध केशव जी के मंदिर है। आप कहाँ ले चलेंगे? चलिए शिवाना समुद्रम। ये देखिए, इस नदी पर ये पहला निर्झर है यानी जलप्रपात। इससे आगे कावेरी तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो होगेनकल के पास भी एक प्रपात बनाती है। यहाँ कावेरी इस प्रपात के पास एक द्वीप बना लेती है। प्रपात के दो भाग हैं, गगन चुक्की भर चुक्की। अब आप जिस प्रपात को देख रहे हैं वो गगन चुक्की है। वाह, कितना भव्य! ऊपर से गिरता पानी नीचे पहुंचने तक फुव्वारे उछलता है। न जाने कब से इन प्रस्तर खंडों को वो काटता नीचे गिर रहा है। यहाँ के कार्यकारी अभियंता से मिले तो इस प्रपात की शक्ति का वास्तविक परिचय होगा। ये हैं श्री रेवण्णा जी। नमस्कार। द फॉर्मर महाराज ऑफ मैसूर विद द असिस्टेंस ऑफ दिस आई मीन ब्रिटिशर्स। मैसूर रियासत के भूतपूर्व महाराजा ने अंग्रेजों की सहायता से 25 साइकिल वाली बिजली कोलार सोना खानों को पहुंचाने के लिए इस जल बिजली परियोजना की कल्पना की। पहला विद्युत उत्पादक यंत्र 1902 में लगाया गया। इस उत्पादन केंद्र का नाम भूतपूर्व मैसूर राज्य के दीवान शीशाद्री अय्यर के नाम पर रखा गया। यहाँ कितने जनरेटर हैं और इनकी उत्पादन शक्ति क्या है? टोटल यहाँ 10 संयंत्र हैं और इसकी कुल उत्पादन शक्ति 42 मेगावाट है। ये एशिया भर में अपने ढंग का सबसे पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। यहाँ से बिजली पहुँचाने के लिए कोलार सोने की खानों तक जो लाइन लगाई गई वो समय दुनिया भर में सबसे ज्यादा लंबी थी। इस केंद्र का महत्व इसलिए भी है कि बेंगलोर शहर को पेयजल का अधिक भाग यहाँ से जाता है। यह व्यवस्था न होती तो शायद बेंगलुरु वासी करीब 50 लाख की जनता में 60% को जल ही नहीं मिलता। वाटर इज आल्सो बीइंग फेड टू बेंगलुरु थ्रू पाइपलाइंस फॉर बेंगलुरु। यहां से बेंगलुरु को पानी भेजा जाता है। पहला चरण तो समाप्त हो गया, दूसरा तीसरा भी हो गया, चौथा बन रहा है।
अब आप मंडा जिले में नहरों के किनारे चलेंगे, यहाँ की हरियाली देखनी हुई। सर्वत्र धान के खेत, कहीं कहीं गुड़ की सोनी सोनी गंध, मेहनत कत मजदूर और किसानों के चेहरे पर खिलती मुस्कुराहटें। कावेरी माता सचमुच माता है। फिर मुझे अष्टोत्तर मंत्र की एक पंक्ति याद आती है, तरंगावली समृद्धि मृदु बालुका शोभायता नाम। कावेरी के तरंगों ने खेतों में भी शस्यों के तरंग भर दिए हैं, यहाँ की मृदु बालुका में भी जीवन भर दिया है। वाह। इसका उदाहरण है मंड्या के पास का एक गांव होड़लो। ये हैं श्री चौड़प्पा जी, भूतपूर्व शासक और मंड्या जिले के एक प्रगतिशील किसान। ईचे विश्वेश्वरय कैनाल प्रारंभवाद मेले सीढ़ना बंद मेले इल्ली कब्बू बत्ता रागी बड़े बड़े 1931 के बाद विश्वेश्वरैया नहर के आने से यहाँ एक धान वगैरह की खेती होने लगी। अब यहाँ 3 चीनी के कारखाने हैं। आज भी यहाँ केवल 1/3 जमीन ही सिंचाई का लाभ उठा सकी है। आज नागमंगल में जो स्थिति है पहले वही स्थिति यहाँ थी। जमीन अवसर थी, अब साल में 3 फसल लेते हैं और इसी गांव के मुद्दे गौड़ा जी भी यही कहते हैं। ये मंडे जिले अत्यंत बरगाल के जिले मलये मंड्या जिले में हमेशा अकाल पड़ता था, बारिश नहीं के बराबर थी। लोग यहाँ से दूसरे स्थानों पर बसने जाते थे। हमारा सौभाग्य था कि विश्वेश्वरैया जी ने कावेरी पर बांध बनाकर इस जिले के 5-6 तालुकों को सहूलियतें दी। सुना है नहर आने से पहले श्रीरंगपट्टनम वाले मंड्या में लड़की नहीं ब्याहते थे क्योंकि पीने के पानी के लिए बहुओं के सिर पर कलसा रखे मेलो जाना पड़ता था। आपने बड़े ध्यान से सुना। हाँ। चलिए हम आगे बढ़ें। कावेरी ने कर्नाटक को सशक्त बनाया, पर जैसे अष्टोत्तर मंत्र को आपने दोहराया, इसने चोड़ देश का जलोद्धार किया। ग्रीष्म काल में भी वहां के बहुत सारे प्रदेश विशेषकर तंजावुर और तिरुची के क्षेत्रों की शोभा बढ़ाई। इसीलिए तमिल काव्य शिल्पाधिकारम के कर्ता इलिंगो अडिगल ने इसकी महिमा गाई है। तिंगल मालई वेणकुडयान सेन्नी सेंगोल अदु ओच्ची गंगई तन्नई पुनर्ंदालुम पुलवाई वाळी कावेरी। चांदनी का धवल छत्र ताना है गंगाने, कविता बनकर बह निकली है कावेरी जल धारा ने। गंगई तन्नई पुनर्ंदालुम पुलवादोळिदल कयक्कल नाय मंगई मादर पेरुंगर पेंद्र अरिंदेन वाड़ी कावेरी। गंगा की प्रशंसा पाकर भी तू नहीं छोड़ती अपना पथ, अस्खलित ब्रह्मचारिणी सदा रही समृद्धि दायिनी। तिरुची के सेंट जोसेफ कॉलेज के हिंदी प्राध्यापक प्रणतार्थी हरन तमिलों की दृष्टि से कावेरी को देखते हैं। तमिल में का शब्द का अर्थ है पूंजोले अर्थात वाटिका, विरी शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना। यह नदी बहते समय सुनहरी अणुओं को लेकर आगे बढ़ने के कारण कावेरी नदी को पुन्नी भी कहते हैं। तमिल काव्यों में कावेरी के बारे में कई उद्धरण प्राप्त है, यथा पट्टिनपाले में वान पोईपिनुम तान पोया मलई तलय कडर कावेरी पुनल परंदु पुनकुविक्कुम, बरका हो ना हो मैं तो बहती रहूंगी, पर्वत शिखर से झरती रहूंगी, सरसाती रहूंगी, सोना बरसाती रहूंगी। अब हम होगेन कल प्रपात, मेकेदाटो, सेलम, चिदंबरम आदि स्थानों को पार कराए। कावेरी नदी के किनारे किनारे चलते चलते बरगरे, कुरुंगाडु दुरे, तुरप्पन तुर्ती, पांडी कोड़ी मुड़ी, वलंजुली, कुंभकोणम आदि शिव स्थलों को भी देख आए। हाँ, आप यहाँ के बांध भी देख लेंगे, मेट्टोर, जाडरपाल्यम, मोकुंबु और ग्रांड एनिकट भी देख लेंगे। अच्छा, हम मेट्टोर एनिकट देखकर अब मोकुंबु पहुंचे हैं। ये देखिए श्री मुत्तस्वामी, मेट्टोर जलाशय के कार्यकारी अभियंता यहाँ है, इनसे भेंट कर लें। नमस्कार।
Mettur Dam, with its storage capacity of 93 TMC, the maximum height is 120 feet. Mettur Bandh ki unchai 120 feet hai. इसका जल संग्रहण सामर्थ्य 93 TMC है। चूंकि इसको बनाने वाले इंजीनियर का नाम स्टैनली था, इसको स्टैनली जलाशय भी कहते हैं। हमने सुना है कि ईसवी सन दूसरी सदी में कावेरी पर कोई बांध बनाया गया। दिस कावेरी आर्म इज हैविंग दिस ग्रैंड अनिकट बिल्ट बाय करियल चोला एंड देयर इट कावेरियम पर ग्रैंड अनिकट है। इसको करिकाल चोलन ने दूसरी शताब्दी में बनाया था। यहाँ कावेरी के तीन भाग हैं, कावेरी, वेन्नार और ग्रैंड अनेकट नहर। तीसरा मानव निर्मित है ग्रैंड अनेकट नहर। इसको 1933 में बनाया। इस जिले में 36 उपनदियां हैं। वहाँ नदी के पार पर आप सीधे देखिए दक्षिण की ओर। देख रहा हूँ और आपका इशारा भी समझ गया। हाँ। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर जो मंदिर का गोपुर है, हाँ, वो यहाँ से भी दिखाई पड़ता है। चलिए वहीं चलें, वो श्रीरंगम के मंदिर का गोपुरम है। पहले यहाँ के प्रधान आचार्य श्री रामानुज परंपरा के गुरुवर्य जी पुंडरीकपुरम आश्रमम श्रीमत आंडवन स्वामीगण से मिलने। स्वामी जी, आप श्री रंगनाथ स्वामी जी के बारे में कुछ कहें। अयोध्यातः रामाराधितः श्री रंगनाथः कावेरी मध्ये श्रीरंगाख्ये प्रणवाकार विमाने सदा शयानो वर्तते। और कावेरी के बारे में? अस्माकं पाप निवारण पूर्वकं पावनत्वेन उपनिषद प्रसिद्धासु नवसु नदीषु कावेरी अन्यतमा। स्वामी जी का आशय है पाप निवारण करने वाले उपनिषद में प्रसिद्ध नौ नदियों में कावेरी का विशेष स्थान है। अस्याः प्रभावं तुला कावेरी पुराणं विशेषतः वर्णयति। कावेरी तोयमाश्रित्य वातो यत्र प्रवर्तते तद्देश वासिनां मुक्तिः किमु तत्तीरवासिनां। वाह, कावेरी पर बहने वाली वायु जिन जिन देशों पर चलती है वहां के लोगों को मुक्ति मिल जाती है, फिर उसके तट पर निवास करने वाले लोगों का क्या कहना। नमस्ते स्वामी जी, अब हम श्री रंगनाथ के दर्शन कर लें। कुंडली दात को कावेरी रंगन नोड़ा, कुंडली दात को कावेरी रंगन नोड़ा। वाह, कैसी भव्य मूर्ति है! ऐसी सुंदर मूर्ति को जो ना देखे उसका जीवन ही व्यर्थ है। आपने ठीक कहा, शायद इसीलिए इस मूर्ति को देखकर श्रीपाद राय के जिह्वा से तत्काल निकला था गंगलिर्द्यात को कावेरी रंगना नोड़दा। वे आंखें ही क्यों जिन्होंने श्री रंगनाथ की मूर्ति को न देखा हो। श्रीपाद राय ने इसे कस्तूरी रंगा कहा तो तमिल भक्त इसको कावेरी सुल करिय पिराम यानी कावेरी से घिरा हुआ काला देव कहते हैं। कस्तूरी रंगा हाल ही में यहाँ इस मंदिर पर 236 फुट ऊंचा गोपुरम बनाया गया। इसी गोपुर को हमने मुकुम्बू से देखा था। हाँ, लगता है हम तिरुच्ची पीछे छोड़ा है, तंजावर पहुंच गए। मैंने सुना है कि यहाँ पर मध्ययुगीन कोई लाइब्रेरी है। हाँ, सरस्वती महल ग्रंथालय। दिस इज वन ऑफ द फ्यू मेडिवल लाइब्रेरीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। One of the most famous libraries. यह मध्ययुगीन ग्रंथालयों में से एक है। इसमें 45,000 से ज्यादा पांडुलिपियां हैं। इनमें से बहुत सारे संस्कृत में हैं। 30,000 तो संस्कृत में हैं, बाकी तमिल, मराठी और तेलुगु में हैं। इसकी स्थापना विजयनगर के नायक राजाओं ने करवाई, फिर शिवाजी महाराज के वंशजों ने इसको संरक्षण और विस्तार प्रदान किया। तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर भी कावेरी के किनारे वाले मंदिरों में प्रमुख है। यहाँ एक और प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा? बंगारू कामाक्षी का। अच्छा। इसकी प्रसिद्धि का एक दूसरा भी पहलू है। वो क्या?
जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर की काली की उपासना करते थे, वैसे कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्तियों में एक श्री श्यामा शास्त्री जी भी कामाक्षी के पुजारी थे। कर्नाटक संगीत के तीन मूर्ति संत त्यागराज, मुत्तु स्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री तीनों तंजावुर के थे? दोनों थे ही, पर तीसरे भी यहाँ से दूर नहीं थे। अच्छा, कुछ ही किलोमीटर के फासले पर एक स्थान है तिरुवायूर। वहां उनकी समाधि है, उनकी आराधना हर साल तिरुवायूर में होती है। उस महानुभाव ने अत्यंत विनय के साथ संसार के कितने ही महान भावों की वंदना की थी। आज भी उस पर्व पर महान संगीतज्ञ समूह में गाते हैं। संत त्यागराज ने कावेरी पर भी कोई रचना की होगी? हाँ, उनकी दो रचनाएं हैं। कनकांग कावेरी रंग श्री कनकांग कावेरी रंग श्री कांत कांत लल्ला कामिंची पिलचिते विनरागना मनवी विनरादन कावेरी तिरुमुननु पावन मगुरंगपुरी श्री वेलयु चैत्र वीरिलो वेड़कगाराग सेवनु गनि सुरुलु विरुलचे प्रेमनु पूजिपग भविंचि त्यागराज पाडग वैभोग रंग राजु वेडले चूतमुरारे। कावेरी के किनारे संगीत और शिल्प कला तो सदियों से समृद्ध बनती रही, पर संस्कृत शिक्षा की धारा भी यहाँ के गांवों में शिष्यों में जलसिंचन के साथ साथ बहती रही। यहाँ कुछ ब्राह्मणों के अग्रहार बने। ऐसा एक अग्रहार है महादानपुर, वहां मेरे एक मित्र हैं श्री राजाराम। यह महादानपुरम में और आसपास के गांवों में ब्राह्मण लोग यजुर साम ऋग वेद अभी भी गाते हैं। कावेरी हमारे लिए केवल जलधारा नहीं किंतु जीवन दात्री है। अगर इसका जल इस क्षेत्र को नहीं मिलता होता तो यहाँ की जमीन बंजर हो जाती। यहाँ जो हरियाली दिखती है वह नहीं होती। यहाँ के जीवन में संस्कृति और सभ्यता का विकास नहीं होता। यहाँ अब भी संस्कृत के विद्वान रहते होंगे? ये हैं श्री राधा कृष्ण, यहाँ के आईटीआई के संचालक, इतिहास के प्राध्यापक थे, पर उसे छोड़कर पारंपरिक जीवन में ढले हैं। पुण्यतीर वासात सद्गुणाः पापक्षयम् पुण्यलाभः प्रवर्तते जाह्नवी तीरे तीरात्र वासात यामुने भांजरात्र वासात पापक्षयम् पुण्यलाभः किंतु सद्य पुनाद कावेरी पापमा मरणांतिकम्। जिस प्रकार कर्नाटक में कावेरी मंड्या जिले में हरित क्रांति लाई, उसी प्रकार तमिलनाडु में तंजावुर तिरुचिरापल्ली जिलों में कृषि उत्पादन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। विष्णुपेट के प्रगतिशील किसान श्री एस वेणुगोपालन कहते हैं, एक ग्राम कल्याण किड़क त्रिवारोटल पता मिल के यह गांव तिरुवायूर के पूर्व में 10वें मील पर है। इसका नाम विष्णुपेट है। उस जमाने से यहां कृषि मुख्य पेशा रही है। विष्णुपेट एक जमाने में अग्रहार रहा। तब वेद पढ़ाने वाले पंडित कृषिक भी थे। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आजकल हम एक हेक्टेयर में 9 टन धान पैदा करते हैं।
और इसीलिए हमारा गांव विष्णुपेट की जगह नौटन गांव कहलाता है। कावेरी के किनारे लालगुड़ी एक गांव है, वहां के प्रगतिशील किसान कनक सभे से आपको मिला देंगे। द कावेरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज रनिंग इन अवर तमिलनाडु। कावेरी तमिलनाडु में एक प्रमुख नदी है, इसकी लंबाई 301 किलोमीटर है। तमिलनाडु में विशेषकर तिरुची और तंजावुर जिलों में सिंचाई के कारण अच्छी कृषि होती है। यहाँ केवल तमिलनाडु के लिए ही नहीं, सारे भारत के उपयोग के लिए धान पैदा करते हैं। अब आप यहाँ से कहाँ ले जाएंगे हमको? कावेरी जहाँ सागर में मिल जाती है, वहाँ जाने से पहले तंजावुर के कृषि विभाग के उपनिदेशक श्री डी बालसुब्रमण्यन से मिल लेंगे। इन द ईयर 1934 द मेट्रो डैम वाज कंस्ट्रक्टेड एंड आल्सो जीए कैनाल वाज इंट्रोड्यूस्ड। 1934 में मेट्रो बंद बनाया गया, ग्रैंड एनेकट नहर भी बनी। इससे पहले 4 से 4.5 लाख हेक्टेयर में कृषि होती थी। 1934 से पहले यहाँ वर्षा पर आधारित कृषि होती थी, अब यहाँ धान की खेती होती है। 1960 के बाद साल में 2 फसल लेने का क्रम चला, क्योंकि नहर के द्वारा जल की आपूर्ति का भरोसा हो गया। तो हमारी यात्रा तल कावेरी से शुरू हुई और अब अंत होगा पूम फुहार पर, जहाँ कावेरी सागर में समा जाएगी। हमने कावेरी के उद्गम को देखा तल कावेरी में, जहाँ केवल पानी का एक छोटा सा स्रोत था। उसका विशाल पात्र देखा मुकुम्भ में, श्रीरंग में। अब यहाँ कावेरी एक पतली धारा बने। श्री नागराजन अपनी पुस्तक कावेरी में कावेरी के सागर संगम का यो वर्णन करते हैं। बहुत पहले कावेरी माँ से मिलने को आतुर एक किशोरी के समान दौड़ लगाती, इसके वक्ष से लग जाती। किंतु आज समुद्र पीछे हट गया है और कावेरी एक पतली सी धारा बनकर बालू का राशि में से जगह बनाकर समुद्र की ओर बढ़ती है। इस दशा में उस गरिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते। कावेरी के किनारे किनारे अखिल भारतीय रूपक माला में कावेरी पर आपने ये रूपक सुना। इसका आलेख तैयार कर प्रस्तुत किया H.V. रामचंद्र राव ने। प्रस्तुति सहायक थे A.R. गोपाल नायक। इसमें अनिल कुमार, अहमद जलीस, मिलन सर अहमद, शिवशंकर कणाजनवर, B.R. रत्नमाला और चंद्रिका ने भाग लिया। आकाशवाणी के तिरुचनापल्ली और मैसूर केंद्र की सहकारिता में निर्मित ये रूपक हमारे बेंगलुरु केंद्र की भेंट थी।